चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। फ्लक्स इन वेबर इन अ क्लोज सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम वेरीज विद टाइम टी अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, फाई की वैल्यू दी है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस करंट एट टी इज इक्वल टू 0.25 सेकेंड। तो सबसे पहले ईएमएफ का इक्वेशन क्या होता है, माइनस डी फाई बी बाई डी टी होता है, ये होता है, करेक्ट है। नंबर ऑफ टर्न्स अगर एन है तो फिर हम ईएमएफ की वैल्यू माइनस एन डी फाई बी बाई डी टी लिखते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में तो कुछ कहा नहीं है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। अच्छा, अब इसमें करंट इज इक्वल टू क्या होता है, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। तो ईएमएफ की वैल्यू यहाँ पुट की जाए तो ये आएगा 1/r डी फाई बी बाई डी टी, ठीक है, करेक्ट। अब करंट की वैल्यू, आर की वैल्यू कितनी है, 1/10 डी फाई बी बाई डी टी। फाई की वैल्यू कितना दिया हुआ है, फाई इज इक्वल टू 6t² - 5t + 1। अब यानी और टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा तो क्या आएगा, 6 × 2t - 5 × 1 + 0। यानी डी फाई बी बाई डी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12t - 5, ये आएगा। ये वैल्यू उठा के रख दो यहाँ पर तो क्या आएगा, 12t - 5। और करंट आपको कितने कितने टाइम पे निकालनी है, t = 0.25। ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, -1/10 × 12 × 0.25 - 5 - 1/10 कितना हो जाएगा, 1/4 3 3 - 5 0.25 1/4 होगा ना, 12/4 3 आएगा, 3 - 5 - 2 - 2 और - प्लस हो गया 1/5 आ जाएगा करंट। 1/5 का मतलब 0.2 एम्पियर करंट हो गई। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।